प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 6th एप्लीकेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हम सभी ने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 5 एप्लीकेशन कवर किए हैं। 6th एप्लीकेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। कई बार इस पर नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखें जरा ये एप्लीकेशन क्या कहना चाहता है। इस बार हमारे पास दो नहीं बल्कि 3 ब्लॉक्स हैं जो दो अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। देख रहे हैं आप, अपर स्ट्रिंग मैंने दिखाया है ग्रीन कलर से और जो लोअर जो स्ट्रिंग है आप देख रहे हैं जो सेकंड स्ट्रिंग है ये मैंने इसको शो किया है वायलेट कलर से। बच्चों, इन स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू क्या है हमें ये फाइंड करनी है, और अगर ये ब्लॉक्स एक्सेलरेट हो रहे हों तो पता लगाना है कि ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ हमें फाइंड करना है कि पुली पर इन टेंशन की वजह से रिएक्शन क्या आ रहा होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द 6th एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन विच 3 डिफरेंट ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाई 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो मासलेस हैं, इनएक्सटेंशिबल हैं, तो टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी। लेकिन स्ट्रिंग्स अगर अलग अलग हैं तो टेंशन अलग अलग होगा। यहाँ पर अपर स्ट्रिंग और जो लोअर स्ट्रिंग है दोनों अलग अलग हैं, तो इस बार टेंशन दोनों में अलग अलग होगा। हमने अपर स्ट्रिंग में टेंशन को T1 एज्यूम किया है और जो लोअर स्ट्रिंग है इसमें हमने टेंशन क्या एज्यूम किया है, T2। इन्हें हमें पता लगाना है। हमारी स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंशिबल हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हर एक ब्लॉक के लिए सेम रहने वाली है। जो एक्सेलरेशन से ब्लॉक M1 ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से ये M2 M3 नीचे की तरफ आ रहे होंगे। तो आओ जरा हम पहले पता लगाते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू है कितनी। ध्यान से देखें, इसको पता लगाने के लिए हम सबसे पहले ब्लॉक M1 पर बात करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। लुक एट द ब्लॉक M1। ब्लॉक M1 को ध्यान से देखिए बच्चों। जो ब्लॉक M1 है आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जरा बताएं इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो बोलेंगे ब्लॉक जो M1 है, ब्लॉक M1 पर एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा वर्टिकल डाउन जो कि रहा होगा M1G। दूसरा, इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1। ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है जो टेंशन फोर्स है ये टेंशन फोर्स इस M1G को डोमिनेट कर रहा है, यानी इससे ज़्यादा है। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स को कैसे लिखेंगे ब्लॉक M1 के लिए, मैं यही लिखने जा रहा हूँ। एक्सेलरेटिंग फोर्स Accelerating force for the block M1 is T1 minus M1G and that comes equal to mass into acceleration. हमने acceleration A assume किया हुआ है। देखिए acceleration की value दोनों ही side में same रहेगी क्योंकि हमारी string inextensible है। एक विशेष बात यह है, तो ये एक हमको पहला relation मिल रहा है, इसको note down कर लें। इसी तरीके से आप आ जाएं, आप block M2 के बारे में बात करें। नाउ लुक एट द ब्लॉक M2। ब्लॉक M2 को ध्यान से देखिए, ये रहा, देखिए ये रहा हमारे पास में ब्लॉक M2। ब्लॉक M2 पर अगर बात करें तो इस पर एक तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, दूसरा नीचे वाली जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T2 है ये भी एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन T1 एक्ट कर रहा है। मैं इसका डायग्राम अलग से बनाता हूँ आप तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ब्लॉक M2 है, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकल डाउन M2G, दूसरा जिस स्ट्रिंग से जुड़ा था वो स्ट्रिंग इसको खींच रही थी नीचे की तरफ और उस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, अपर वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है। ब्लॉक इन दोनों के बावजूद नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है एक्सेलरेशन A से। तो क्या आप एक्सेलरेटिंग फोर्स को लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे M2G plus T2 minus T1 equals M2A। ये हमारा सेकेंड रिलेशन बन के तैयार हो गया, इसको भी नोट कर लें कहीं पर आप फटाफट। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक M3 के लिए। ध्यान से देखिए ब्लॉक M3 क्या कर रहा है, इस पर कितने फोर्स लगे हैं और कौन से फोर्स इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं। जो ब्लॉक M3 है आप देख पा रहे हैं ये सबसे नीचे वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर देखिए तो इस पर इसका एक वेट एक्ट कर रहा होगा M3G वर्टिकल डाउन, दूसरा देखिए इस ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में केवल एक ही स्ट्रिंग आ रही है
जो नीचे वाली स्ट्रिंग है और उसमें टेंशन T2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा? बोलिए, एक्सेलरेटिंग फोर्स आप कैसे लिखेंगे? बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स एक रिजल्टिंग फोर्स होता है ना, और इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है ब्लॉक में नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ए है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? इसको हम लिखेंगे एम थ्री जी माइनस टी टू इक्वल्स एम थ्री इंटू ए। दिस इज आवर थर्ड रिलेशन। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, ठीक है। अब एक काम करें आप, रिलेशन नंबर वन, रिलेशन नंबर टू, रिलेशन नंबर थ्री को एडअप करें। ऑन एडिंग द रिलेशन नंबर वन टू एंड थ्री, इनको आप एडअप करें तो क्या मिलता है आपको? ऐड करें तो क्या मिलेगा? देखो, लेफ्ट को लेफ्ट में एडअप करो और राइट को राइट में ऐड करो। अगर इनको हम ऐड करें, ऑन एडिंग रिलेशन वन प्लस टू प्लस थ्री, इन सबको ऐड कीजिए। देखिए ध्यान से, ये टी वन और ये टी वन कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, जो टी टू है माइनस टी टू कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलने वाला है? तो लेफ्ट साइड में बेटा हमें मिलेगा एम थ्री जी प्लस में, एम टू जी प्लस में और एम वन जी माइनस में। इसको हम लिख लेते हैं, एम टू जी प्लस एम थ्री जी माइनस एम वन जी। ज़रा देखें राइट साइड में क्या मिल रहा है हमें, एम वन ए, एम टू ए, एम थ्री ए, सभी पॉजिटिव हैं, सब में ए कॉमन है, तो हम इसको लिख लेते हैं एक तरीके से। इस तरीके से एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री टाइम्स ऑफ ए। सो फाइनली वी कैन गिव द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। इसे हम कैसे दे सकते हैं? आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी। स्मॉल जी मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया है। सो बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स में मिल गया है एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाइड बाई जी। देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई है। ध्यान से देखिए, जो ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्सेलरेशन हमें अभी कितना मिला हुआ है, तो वो आप एक्सेलरेशन बता रहे हैं क्या मिला है, एम टू प्लस एम थ्री, जो कि मास जो नीचे की तरफ आ रहे हैं है ना, ये मास माइनस लाइटर मास एम वन अपॉन टोटल मास लिखा हुआ है एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाइड बाई जी। इस पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? इस पूरे को हमने जी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बाय विच दे आर मूविंग। ब्लॉक एम वन ऊपर की तरफ, एम टू एम थ्री नीचे की तरफ, इसी एक्सेलरेशन से आ रहे हैं। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, जब हमारे पास में दो ब्लॉक थे एम वन और एम टू, और एम टू हैवी था तो ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? एम टू माइनस एम वन। यहाँ पर देखिए, ये जो M2 है, जो M3 है, ये मिल करके M2 की तरह काम कर रहे हैं। ये दोनों मिल करके M2 की तरह काम कर रहे हैं। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, M1 M2 प्लस M3। ये मान लो ये M2 है, ये M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो बात वही सेम है, बस आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन हम इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है? टेंशन तुमको निकाल ही सकते हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लो। चलो आप पहले पता लगाते हैं टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग, जो ऊपर की जो रस्सी है उसमें कितना टेंशन आ रहा है। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स लगी हैं वो कैसी हैं? मासलेस हैं। सो अभी निकालते हैं टेंशन इन अपर स्ट्रिंग। निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे बताइए, T1 कैसे फाइंड करेंगे? तो T1 के लिए हमारे पास में कोई रिलेशन है? बोलेंगे हाँ है, ये हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें T1 हमें दिखाई पड़ रहा है। देखें, T1 माइनस M1G इक्वल्स क्या है? M1A लिखा हुआ है। सो T1 की वैल्यू क्या बनेगी? तो आप बोलेंगे ये बनेगा M1G प्लस M1A। ये हम यहाँ से M1 कॉमन कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा G प्लस A। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T1। अपर स्ट्रिंग में यही टेंशन होगा।
दिस इज द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग, एम वन इंटू जी प्लस ए। एम वन क्या है? उस ब्लॉक का मास है जो पहली वाली स्ट्रिंग के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है। आइए, अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन ए को निकाल लें तो आप बड़ी ही आसानी से टेंशन टी वन को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आओ हम अब फाइंड कर लेते हैं टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ज़रा ध्यान से, टी टू हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम थ्री जी, ये जो थर्ड रिलेशन है एम थ्री जी माइनस टी टू इक्वल्स एम थ्री ए। तो यहाँ से टी टू को फाइंड कर सकते हैं। ज़रा बताएं क्या होगा, टी टू को राइट में ट्रांसपोज करें, एम थ्री ए को लेफ्ट में ट्रांसपोज करें, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, एम थ्री जी माइनस एम थ्री ए। या अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं, वो क्या कॉमन चीज़ है, एम थ्री विद इन ब्रैकेट जी माइनस ए। सो टेंशन टी टू इक्वल्स एम थ्री इंटू जी माइनस ए। लो हमें आंसर मिल गया, अपर और लोअर स्ट्रिंग्स में ये टेंशन होंगे। आप ज़रा बताएं किस स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे अगर मान लो कि जो ब्लॉक M1 और जो M3 है ये सेम मास के अगर होते, अगर M1 और M3 सेम मास इन दोनों का होता तो अपर वाले में टेंशन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए G प्लस A, यहाँ पे एक्सेलरेशन एडअप हो रहे हैं, और जो T2 है जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसमें टेंशन, उसमें देखो जो एक्सेलरेशन वो माइनस में हो रहा है। सो अपर स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होगा और जो नीचे वाली जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगा, कम होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, T1 equals M1 into G plus A, T2 equals M3 into G minus A। याद रखें इस चीज़ को, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग। रिमार्क, टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज ग्रेटर then tension in lower string। इस बात को नोट कर लेंगे। अब फाइनली हमें क्या पता लगाना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो हम निकाल ही चुके हैं m2 plus m3 minus m1 upon m1 plus m2 plus m3 into g, और टेंशन भी हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग है, निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यहाँ फाइंड करना है कि इस पुली पर रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, ये रिएक्शन हमको देना है। रिएक्शन ऑन पुली, रिएक्शन ऑन पुली, यहाँ डायग्राम बना लें फिर से एक बार अगर आप चाहें तो अपने लिए। पुली इस तरीके से थी और पुली पर ऐसे ये स्ट्रिंग आ रही थी, अपर स्ट्रिंग ही इसके कॉन्टेक्ट में है जिसमें टेंशन टी वन है दोनों तरफ, रिएक्शन देना था। तो बेटा रिएक्शन आप देख ही पा रहे हो, ये रिएक्शन किसके इक्वल होगा, चूँकि पुली हमारी ये भी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स डाउनवर्ड फोर्स। सो आर इक्वल्स टी वन प्लस टी वन, यानी ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ टी वन। और जैसा कि अभी आपने पता लगाया था टी वन की वैल्यू किसके इक्वल है, आप देख पा रहे हैं एम वन इंटू जी प्लस ए एंड टू टाइम्स ऑफ एम वन इंटू जी प्लस ए। दिस इज द रिएक्शन ऑन द पुली। सो बच्चों इस तरीके से हमने ये जो है सिक्स्थ एप्लीकेशन को देख लिया है। अगर हमारे पास में थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स हों जो दो अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों तो हम बड़ी ही आसानी से NLM का इस्तेमाल करते हुए इन स्ट्रिंग्स में टेंशन को पता लगा सकते हैं, ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन को पता लगा सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंशिबल है तो फिलहाल किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम होगा, स्ट्रिंग्स अलग अलग होंगी तो टेंशन भी अलग अलग होगा। याद रखें इस बात को, अगर एक ही रस्सी को एक ही स्ट्रिंग को हम कट करके जोड़ दें तो भी टेंशन अलग अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम बात करेंगे किसी रोप में टेंशन क्या होगा जिसमें मास है। किसी रोप में एक रोप होगी जिसमें मास होगा तो उसके अलग अलग पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अगर उसको हम खींचेंगे किसी फोर्स को अप्लाई करके तो हम उसको पता लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।